हेलो एवरीवन। सो अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था आईडीटी का थर्ड क्वेश्चन, तो उसका सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। उसको उसके अंदर जो रिफंड का क्वेश्चन था उसमें रिफंड कैसे निकालेंगे, और एक एंटी डंपिंग का क्वेश्चन था और एक डायमंड का क्वेश्चन था, तो उन तीनों के आंसर क्या होंगे वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड के ए पार्ट से। पूरी कैलकुलेशन दिखाऊंगा मैं आपको। सो इस क्वेश्चन में क्या, एक सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उसने उसके अंदर उसको जो एडवांस में मिला पैसा वो मिला 16 जुलाई 2019 को 1 लाख रुपए, एंड एडिशनल डिपॉजिट उसको मिला 18 अगस्त को, वो मिला 2 लाख रुपए। टोटल उसको रिसीव हुए हैं 3 लाख रुपए, और जो फंक्शन हेल्ड हुआ है वो 1 नवंबर से लेके 3 नवंबर के बीच में हुआ है। एंड जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर है इनवॉइस कब इशू हुई है, 25 नवंबर 2019 को, और उस दिन जो टैक्सेबल वैल्यू, जो फाइनल टैक्सेबल वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की है वो है 2,50,000, ठीक है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, कंसीडर देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। वो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स जब इफेक्टिव हुए वो ही है 15 अक्टूबर को, ओके। एंड लास्ट पूछा what would be the amount of refund payable to the client। so इसको हम step wise में कैसे question करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे effective date of change कब हुआ है, 15 तारीख को, ठीक है। अभी हम देखेंगे हमें service कब provide हुई है इसके अंदर, change होने से पहले, change या change होने के बाद, ठीक है। तो effective date 15 अक्टूबर है, और जो हमें service हुई है वो ये 1 नवंबर से लेके 3 नवंबर तक, तो सर्विस हमें चेंज होने के बाद मिली है, ठीक है। अब हमें ये कंफर्म हो गया सर्विस बाद में मिली है, और अब हम देखेंगे इनवॉइस और पेमेंट कब मिला है। अगर हमें इनवॉइस बाद में मिली है और पेमेंट पहले मिल चुका है चेंज से, तो उसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई इनवॉइस होगी। अगर हमें पेमेंट बाद में मिला है और इनवॉइस पहले मिल चुकी है, तो उस केस में पेमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो यहाँ पे जो हमें पेमेंट मिला है वो हमें मिला है बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, तो वो तो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी नहीं। और जो इशू ऑफ इनवॉइस है वो हमें इशू हुई है 25 नवंबर 2019, विच इज आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। सो इसके अंदर हम वो वाली टैक्स रेट लेंगे जो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला डे था, जो इनवॉइस की डेट का डे था, उस पर जो रेट लग रही थी वो थी 9%, ठीक है। तो इसके अंदर जो रेट ऑफ टैक्स हो जाएगी वो 9% होगी। अभी हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू है हमारी 2,50,000। तो 2,50,000 पे 9% CGST और 9% SGST के हिसाब से अपन टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे, जो आ जाएगी 2,95,000 रुपीस, ठीक है। तो हमारी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग GST और SGST कितनी बन जाएगी, 2,95,000, 2,95,000। एंड हमें एडवांस कितना रिसीव हुआ, वी रिसीव द एडवांस रुपीस 1,00,000 एंड 2,00,000, टोटल 3,00,000 रुपीस हमने पे किए। एक्चुअली हमें कितने पे करने थे, 2,95,000, तो हमने कितने उनको एक्स्ट्रा पे कर दिए, 5,000। तो इसके अंदर जो रिफंड आएगा वो आएगा 5,000 रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था डायमंड का, ठीक है, तो उसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आप कोई चीज़ कहाँ से कहीं से इम्पोर्ट करते हो, ठीक है, और उस मशीनरी को आप किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, आपने वो पर्पज़ यूज़ कर लिया, अचीव कर लिया, उसके बाद उसको आप और यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में अगर यूज़ नहीं करते तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता, आउटसाइड इंडिया। बट उसको हम 3 महीने इंडिया के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वही पॉइंट था, उसकी वजह से जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है वो गलत है कि ये एक्सपोर्ट सप्लाई नहीं है, ठीक है, एक्सपोर्ट सप्लाई नहीं है, और उस केस में टैक्स प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, और उनको 1,08,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, 1,08,000 CGST और 1,08,000 SGST का पेमेंट करने पड़ेगा। तो यही आंसर था उस सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जिसमें डायमंड का पॉइंट है। बात करें थर्ड क्वेश्चन की एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो वो एक नई वैरायटी का क्वेश्चन था। एक्चुअली इस पूरे पेपर में ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसकी तीनों क्वेश्चन नई वैरायटी के थे, ठीक है, तो तीनों को करने में कुछ लॉजिक होंगे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है एंटी डंपिंग का, तो एंटी डंपिंग में काफ़ी लोगों को लगता है कि जो 175 है डोमेस्टिक इंडस्ट्री में 175 है
वो लेंगे, बट उसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो ऊपर फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में वो सेल नहीं होता बट थर्ड कंट्री में सेल होता है, तो वो जो 200 रुपए हैं, 200 यूएसडी है, उसको कंसीडर करेंगे वहाँ पे, 175 में नहीं करेंगे, क्योंकि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री डोमेस्टिक कंट्री में सेल नहीं हो रहा, तो वो नॉर्मल वैल्यू जो लेंगे वहाँ पे $200 लेंगे, और माइनस क्या करेंगे, लैंडेड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1000 यूनिट्स एंड मल्टीप्लाइड बाई 75 रुपीस पर डॉलर, तो उससे हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाएगी। तो ये तीनों को मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे दूसरे क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है।